Most welcome in this session. In this video, we shall discuss the macro plan of different important skills. Today's skill is introductory skill. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रस्तावना कौशल के सूक्ष्म पाठ योजना के बारे में, हाउ टू फ्रेम ए परफेक्ट माइक्रो स्किल बेस्ड लेसन प्लान और माइक्रो लेसन प्लान इन ए इफेक्टिव वे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग में माइक्रो लेसन प्लान के टॉपिक में इंट्रोडक्टरी स्किल या प्रस्तावना कौशल के ऊपर हम किस तरह से लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर जानेंगे हाउ टू फ्रेम ए गुड माइक्रो लेसन प्लान ऑन इंट्रोडक्टरी स्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल टू गेट PDF। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल बेसिक इनिशियल लाइक प्रीवियस वीडियो ऑफ ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल। लास्ट की जो वीडियो हमारी थी उद्देश्य लेखन कौशल, उसमें जिस तरह से सबसे पहले हम बेसिक इनिशियल को फिल करते हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन और नेम ऑफ द पीपल टीचर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, सेम फॉर्मेट रहेगा, चाहे प्लान आपका हिंदी का हो, मैथ का हो, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट होगा सबका सेम प्लान रहेगा जो फॉर्मेट आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी स्किल्स की या प्रस्तावना कौशल की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे के स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं और उनको न्यू नॉलेज से लिंक कराते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का यूटिलाइजेशन करना रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन शुड बी ईजी, नॉट यूजिंग ऑफ टू मीनिंग वर्ड, क्वेश्चन इन वेरी प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज, जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो सरल भाषा में हो, दो मीनिंग या टू मीनिंग वर्ड वहाँ पे यूज़ ना हो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर होंगे। ऐसा नहीं कि हम इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर दें बच्चे के पास वहाँ पर नॉलेज ही नहीं उस एरिया की। तो हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस जो रहेंगे हमारे वो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड रहेंगे और एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी या लिंक रहेंगे। तो जैसे ही क्लास में आप एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना रहेगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी होगा, ठीक है। एंड इसके साथ में आप चीयरफुल स्माइल के साथ में अपने जो टॉपिक होगा जिससे आपको बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है और न्यू नॉलेज से कनेक्ट करना है, उसको ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे कंपोनेंट की स्किल्स हो जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर इंक्लूड रहेंगे हमारे किस में, इंट्रोडक्टरी स्किल्स। तो यहाँ पर 6 कंपोनेंट के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। रिलेटिंग स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस विद द स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, कथनों और प्रश्नों का विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध। कहने का मतलब हम जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे यहाँ पर वो क्वेश्चन हमारे वो क्या होंगे, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड होंगे। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिंग स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस विद द टॉपिक, प्रश्नों एवं कथनों का प्रकरण एवं उसके उद्देश्यों से संबंध। कहने का मतलब जो टॉपिक हमको पढ़ाना है उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर, ऐसा नहीं पढ़ाना कुछ और है, टॉपिक हमारा कुछ और है। लिंकिंग स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस, प्रश्नों और कथनों की श्रृंखलाबद्धता, क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहेंगे, कनेक्टिविटी रहेगी, इसको हम बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। कहने का मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करना होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करना होगा। इस तरह से कनेक्टिविटी बनी रहेगी या कंटिन्यूटी बनी रहेगी। नेक्स्ट हमारा रहेगा सेलेक्शन एंड यूज़ ऑफ सुटेबल टीचिंग एड, विद्यार्थियों की स्तर के अनुरूप युक्तियों की पहचान या चयन करना। स्टूडेंट को जानने के बाद में, उनके लेवल को जानने के बाद में, उनके लेवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिवाइसेस यूज़ करेंगे, टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे। एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर ड्यूरेशन, यहाँ पर हम समय अवधि का ध्यान रखेंगे क्योंकि 6 मिनट का आपका माइक्रो प्लान है, ठीक है, तो टाइम को मैनेज करना रहेगा आपको यहाँ पर। और लास्ट हमारा स्टूडेंट विल पे अटेंशन एंड टेक इंटरेस्ट इन द लेसन, हमारी कोशिश रहेगी क्वेश्चन ऐसे रहें कि बच्चा वहाँ पर आपकी क्लास में इंटरेस्ट ले और वो अपना अटेंशन पेड कर पाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमको यहाँ पर। और इस तरह से हमारा माइक्रो प्लान का जो फॉर्मेट रहेगा, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, यूज कंपोनेंट्स, प्रयुक्त घटक, ठीक है। पहला हमारा छात्र अध्यापिका क्रिया,
विद्यार्थी क्रिया और प्रयुक्त घटक, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और क्वेश्चन आस्क करने से पहले या क्वेश्चन पूछने से पहले आप बच्चों को वहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देंगे, डियर स्टूडेंट्स आई शैल आस्क सम क्वेश्चंस, प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू नो द आंसर, डोंट गिव द आंसर इन ग्रुप। तो इस तरह से आप बच्चों को जब स्टेटमेंट दे देंगे कि विद्यार्थियों यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो आप हाथ खड़ा करेंगे, कोई भी बच्चा समूह में उत्तर नहीं देगा। और आप कोशिश करेंगे बच्चे को मोटिवेट करें, स्माइल के साथ में क्वेश्चंस पूछें और उनकी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाट डू वी नीड टू वर्क, हमें कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे वहाँ पे भी, नीड टू वर्क, वी नीड एनर्जी टू वर्क, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये जो हमारे आंसर रहते हैं स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में, ये प्रोबेबल आंसर होते हैं, संभावित उत्तर, जैसा आप मेंशन करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही दें, उसके आगे पीछे का आंसर भी वो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अब हमारा जो आंसर आया वी नीड एनर्जी टू वर्क, अब इसी से हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे नेक्स्ट, जहाँ पे एनर्जी को यूज़ करना, इसी को हम बोलते हैं कनेक्टिविटी या कंटिन्यूटी वे। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, हम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हम खाने भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बच्चे कभी कभी आपको सन का भी आंसर दे देंगे, सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, व्हाट डू वी ईट इन द फूड, हम भोजन में क्या ग्रहण करते हैं, क्या खाते हैं। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, वी ईट राइस पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन फूड, हम दालें चावल फल सब्जियों को खाते हैं किसमें, भोजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर, वेयर डू वी गेट दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम, ये सब्जियाँ और जो फल हैं इनको कहाँ से प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे, वी गेट दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द प्लांट्स। और लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक, जिसको हम बोलते हैं समस्यात्मक प्रश्न, व्हाट डू यू नो मोर अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधों के भाग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक। इसके बाद में क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल डिस्कस द टॉपिक पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य कथन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पौधे के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मेट हो जाता है यहाँ पर, और कोशिश करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे से कर लिया पीछे को छोड़ दिया, क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहे, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछने का मैनर है आपका, जो टाइम ड्यूरेशन है, स्टूडेंट को मोटिवेट करना है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारा बनेगा ऑब्जर्वेशन एंड एवेल्युएशन टेबल, जिसका यूज़ करेंगे आपके टीचर, ठीक है, जो आपको यहाँ पर आपका जो माइक्रो प्लान होगा उसको एवेल्युएट करेंगे, किसके बेस पर, जो कंपोनेंट आप मेंशन करें इन कंपोनेंट के बिहाफ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा पीपल टीचर साइन, और यहाँ पर आ जाएगा टीचर साइन, ठीक है। एक बार हम लेसन प्लान को देख लेते हैं माइक्रो प्लान का, ठीक है। ये हमारा है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी स्किल्स का माइक्रो प्लान, ठीक है। इस तरह से आपको फ्रेम करना है, साइंस का प्लान है, ठीक है। सॉइल एंड डिफरेंट लेयर्स, इंट्रोडक्टरी स्किल्स, हमारा स्किल का नाम आ जाता है, कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे ऑलरेडी आपने अभी देखा पीडीएफ में, ठीक है। इस तरह से हमारा कॉलम डिवाइड हो जाएगा, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, यूज कंपोनेंट, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, आंसर्स हो गए, और हमारे यहाँ पर यूज्ड कंपोनेंट, ठीक है। और लास्ट में हमारा यहाँ पर फिर डियर स्टूडेंट टुडे वी शैल डिस्कस, स्टेटमेंट ऑफ द एम आ जाएगा, और फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर कंपोनेंट, और हमारा जो हमारा एवेल्युएशन टेबल है, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स के साइन हो जाएंगे आपके, और यहाँ पर जो प्रयुक्त घटक हैं एक बार इसको हम देख लेंगे, जो हमारे यूज कंपोनेंट हैं, ठीक है। जैसे वन और थ्री लिखा गया है यहाँ पर, क्या है, व्हाट डू वी नीड टू वर्क, तो कंपोनेंट वन का मतलब यहाँ पर क्या है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का यूज़ किया गया है। थर्ड क्या है, हमारे क्वेश्चंस में कनेक्टिविटी बनी है, लिंकिंग स्टेटमेंट विद क्वेश्चंस, क्यों, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसका जो आंसर आया, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हुआ, इस तरह से हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनिंग स्किल, उसके डिफरेंट कंपोनेंट, और उसका प्लान किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।